वाई क्या किसी को भगवान का भक्त होना चाहिए या नहीं अगर ऐसा है तो क्यों विच गॉड डू यू worship? आप किस भगवान की पूजा करते हैं नेम द पर्सन हुम यू नो इज ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है वाई डू we वर्सिप गॉड हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं टू नो द आंसर ऑफ to ऑल क्वेश्चन चैप्टर लव एंड respect इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन दैट वर्क वंडर्स प्रेम और सम्मान दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके योग से अनेक चमत्कार हो जाते हैं दिस कॉम्बिनेशन इन सुपरलेटिव डिग्री फॉर द हु इज ग्रेटर देन अवर सेल्फ इज कॉल्ड डिवोशन इन दो शक्तियों का योग से एक ऐसी अद्भुत शक्ति पैदा होती है जिसको भक्ति कहा जाता है जिसको हम सभी लोग पहचानते भी हैं वॉट इज़ द रोल ऑफ डिवोशन इन अवर लाइफ भक्ति का हमारे जीवन में क्या भूमिका है भक्ति का क्या रोल है दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मैनी पीपल विदाउट एनी प्लेस इन देयर हार्ट फॉर गोड और ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिल में भगवान के लिए कोई जगह नहीं रखते और इस तरह से जीते हैं ऑफकोर्स ईच पर्सन हैज द फ्रीडम टू मेक चीज और हर चॉइस इन दिस मैटर वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी पसंद और नापसंद के बारे में वह अपने तरीके से जी सकता है द लॉर्ड हैज़ गिफ्टेड टू ह्यूमन बींग्स द पावर ऑफ चॉइस एंड मैनी यूज दिस वेरी गिफ्ट टू रिजेक्ट हिम और भगवान ने सभी को ये उपहार दिया है कि आ, क्या उपहार दिया है पसंद करने की शक्ति गिफ्ट में दी है लेकिन कुछ लोग इस शक्ति का मिस करते हैं दुरुपयोग करते हैं और भगवान का अपमान करते हैं या भगवान को अपने मन में स्थान नहीं देते वी सर्व द गॉड हम भगवान की सेवा करते हैं हे आर सम पॉइंट कैसे करते हैं बाई सर्विंग अवर पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स अपने माता पिता अपने अध्यापकों और अपने बड़ों का सम्मान करके और उनकी सेवा करके यदि हम ऐसा करते हैं इट मीन्स कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं बाय सर्विंग द पुअर एंड नीडी विद लव एंड ह्यूमिनिटी गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके और उन्हें प्यार करके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं बाय सर्विंग नेचर विद सेंस एंड ग्रेटिट्यूड इस प्रकृति की पूरे मन से अच्छे प्रकार से देखभाल करते हैं यदि हम तब भी हम इसका मतलब ये है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं इन सिंपल टर्म साधारण तौर पर देखा जाए तो इफ वी अंडरस्टैंड लॉर्ड इजनी प्रजेंट देवर एंड होम एवर वी सर्व आवर सर्विस इज कन्वर्टेड इन टू दर्विस ऑफ लॉर्ड यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो यदि हम इस बात में विश्वास करने लगें कि भगवान सर्वव्यापी है हर वस्तु में हर प्राणी में भगवान समाए हुए हैं तो जो भी हम सेवा करते हैं वो हमारी सेवा सीधे भगवान को समर्पित हो जाती है वैन वी थिंक ही इज़ ऑमनी प्रजेंस वी रियलाइज दैट ही इज़ इन ऑल बींग्स जब हम इस बात को समझ लेते हैं दिल से मान लेते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है तो हमें हर वस्तु में उसके दर्शन होने लगते हैं हर वस्तु में वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है इन वॉट बेटर वे कैन वी सर्व हिम देन थ्रू द सर्विस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तो सबसे अच्छा क्या है सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें भगवान की रात दिन सेवा करनी चाहिए किस तरीके से इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनकी सेवा करने के द्वारा नाउ द द चैप्टर इज इज कंप्लीट नेक्स्ट पॉइंट लॉर्ड भगवान की पूजा करना एनी ऑफरिंग ईदर इन फॉर्म ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स और एनीथिंग एल्स इज इंक्लूडिंग हेयर आर ऑल्सो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वर्सिप इन ऑल रिलीजन प्रत्येक धर्म में भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है जैसे कि उसमें फल होते हैं फूल होते हैं और बहुत सारी पारंपरिक चीज़ें हम अपनी पूजा में ला कर रखते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए भगवान को ऑफर करते हैं ये सब चीज़ें वॉट इज़ इम्पोर्टेंट वॉट यू ऑफर टू लॉर्ड और वॉट मीन्स टू वर्सिप टू हिम बट द डिवोशन विच द यू कंडक्ट द प्रेयर और वर्सिप तो क्या ज़रूरी है जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं भगवान को प्रसाद स्वरूप में चढ़ा रहे हैं या इसका मतलब यह है कि भगवान वर्सिप टू हीम आप उनकी पूजा कर रहे हैं लेकिन डिवोशन विद विच द कंडक्ट द प्रेयर और वर्सिप मेन चीज ये है कि हमारी जो भक्ति है हमारी जो श्रद्धा है हमारे मन के भावों को प्रकट करने वाली होनी चाहिए हमारी जो प्रार्थनाएँ हैं वे अच्छी होनी चाहिए इट बिगिनस विद सिंपल फॉर्म ऑफ वर्सिप और यहाँ से हमारी साधारण तरीके से की गई पूजा भी मान्य हो जाती है बट एज़ वी नो आवर डिवोशन ऑल्सो हैज़ टू ग्रो एंड एक्सपेंड टिल अवर होल लाइफ एंड एवरी थिंग वी डू लेकिन यदि हम सही मायने में समझें तो हमारी पूजा शुरू हो जाती है जब से हम जन्म लेते हैं हमारी भक्ति किस तरह से भगवान के सामने आती है कि जो कार्य हम अपने पूरे जीवन भर करते हैं और जैसा हम करते हैं वैसा ही भगवान हमें वापस देते हैं और वही सही मायने में हमारी भक्ति है देन वी विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग रोंग और हाफ इन हाफ हार्टेड वे और इसी वजह से हमें ये जानना चाहिए कि हमें कुछ भी कार्य गलत नहीं करना चाहिए और आधे मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए हम अपनी जिम्मेदारियां अपने जीवन के सारे काम अच्छे तरीके से करें तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है वही सबसे बड़ी वर्शिप होती है नाउ द चैप्टर इज कम्प्लीट हेयर इज़ दोरी वेयर इज़ ही नॉट कि वह कहाँ नहीं है अब कौन कहाँ नहीं है ये जानने के लिए हाँ, आइए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें इस स्टोरी को पढ़ने के लिए सो थैंक्स फॉर बींग विदर्स थैंक्स अलॉट